लिखना चाहिए पढ़ना चाहिए, रोमांस का भी एक लेक्चर होना चाहिए। ओहो रोमांस पीरियड, लव एंड डांस पीरियड, कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है कि इट इज एन एक्शन ड्रामा, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा, लेकिन हमारी फिल्म में कॉमेडी भी है लेकिन रोमांस भी भरपूर है। तो आप वैलेंटाइंस डे को रोमांस को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को लेके जाएंगे गुंडे देखने। Yeah, all the action, all the drama, all the emotions that happen in the film is because of the romance. So when you see the film, you'll realize that there is genuine romance in the film. इसीलिए 14th Feb. I guess that is the best way to describe it. जब आप पिक्चर देखोगे, you'll realize why Valentine's Day fits in because of Nandita. मतलब नहीं और वैसे how many people will get to spend Valentine's Day with Priyanka Chopra? तो कितने बेचारों की जो dream थी वो इस बहाने पूरी तो हो जाएगी। दे गेट टू स्पेंड वैलेंटाइन डे विद प्रियंका चोपड़ा। मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट ब्रेक हुआ या फिर क्या हुआ? नो इट्स ओनली गैस, इट्स ओके। Guys, no! Some people like to keep their personal lives personal, so let's just leave it at that and move on, no? Thank you. हाँ हाँ, हम उसकी फैमिली हैं, मम्मी पापा और भैया। नहीं रणवीर, बिल्कुल मत बोलना तुम कुछ। रणवीर आज तुम सिर्फ एक सवाल का जवाब दोगे। हमारे खातिर बोल दो प्लीज। नहीं आई हैव बीन सिंगल फॉर अ लॉन्ग टाइम। काम करो, कल रात वाली बात बता दो। नहीं नहीं नहीं, कल रात वाली बात बता दो। कल रात वाली नहीं, तुम कल रात वाली बात बिल्कुल नहीं बताना, पिछले हफ्ते वाली बात बता। पर इतना पूछ रहे रणवीर तो बता नहीं रहा। मैं कुछ पिछले हफ्ते वाली बताना, कल रात कुछ सनसेट बता दो जो तुम अभी बैक स्टेज कर रहे थे, बता दो सनसेट वाली बता सकते हो। मैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से करते आ रहा हूँ। वो जो उसकी एक वो टुडे वी डिड डायरी होती थी ना, उसमें मैंने एक चिट छोड़ा था, आई लव यू फुल स्टॉप, यू लव मी क्वेश्चन मार्क। उसने सीधा जाके चिट दिया प्रिंसिपल को। मैं पहुंच गया ऑफिस, मम्मी आई, रोई, इट वाज अ बिग मेस। तो बट या आई डिडंट रिलेंट। हाँ, मैंने काफी सारे प्रपोजल्स किए अच्छे खासे। अर्जुन आप? नहीं यार, बचपन में मैं काफी फैला हुआ था साइज वाइज, तो मैं बस वो संभालने में, वो समेटने में लगा हुआ था। एंड फाइनली आई स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वर्क, तो मैंने इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब छोकरा जवान हो गया है, तो अब टाइम है कि आई शुड एंजॉय माई सेल्फ ऑल्सो। तो जब होगा तो मुझसे पहले आप सबको ही पता लग जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जब टीजर, जिस दिन टीजर निकला था उस दिन ही वॉज इन रोमेनिया शूटिंग फॉर जय हो, एंड वेन द ट्रेलर द थिएट्रिकल वी डिडंट हैव द डीवीडी एट दैट पॉइंट टू शो बिकॉज ही वॉज शूटिंग फॉर किक and we had to leave for Dubai. So, dono trailer us waqt nahi dikha paaye, but he saw it later and then obviously he really liked it because he knows Ali from before. If nobody knows this, but Ali ne Marigold pe assistant ke taur pe shuruaat ki thi, so he's worked with Ali before. Ali ko bahut achhi tarah se jante hain. So he was really happy and he's really excited to see. It's a film that is, for what it's worth, we are young actors, new starting out. It's a very big film. It takes a lot of conviction for a producer to be able to back two young starting out actors to give us this kind of a scale, to be able to get us an actress of this level, to be able to get us a star cast and a mounting of this level. So he's very excited that Aditya Chopra considers us big enough to give us something like this, and that Ali can fulfill that vision the way he had spoken about to Salman bhai. So he's very excited. He wants to see the film, and I hope to show it to him before the world sees it. This place called Vathar in the middle of May, at the end of May actually, or Vathar is just away from Y, it's close to Y. Bahut garmi thi, train ka jo pura sequence aap dekh rahe ho, we got the permission to shoot on a train over there. It was about 50 degrees, the weather was very hot. It was 50 degrees aur hum rubber jooton ke sath kaam kar rahe the, uske bawajood pairon ke talwe jal rahe the hamare. So I think that was one thing that I'll always remember, ki we managed to pull off a huge sequence, shoot for 8 days continuously and have a blast doing it. That was thanks to, I guess, the energy that Ali brings and the clarity that Shyam ji had as an action director. Aur safety ka bahut dhyan diya, taki we don't ever have to worry about lag jayegi, kya hoga. We just enjoyed ourselves. Moving train ke upar uchal kood karna, jo bachche hote unko maza aata hai. To hum chote bachcho jaise hi behave kar rahe the. Any other experience?